एक्चुअली ये मेरा थर्ड वीडियो है जिसमें मैं खुद इस मतलब वीडियो में शामिल हुआ हूँ, लेकिन फर्स्ट हार्टब्रेक ब्रेकअप सॉन्ग एंड मैं लव सॉन्ग्स और रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए बहुत जाना जाता हूँ, लेकिन दिस द फर्स्ट टाइम दैट आई वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट एंड यू नो ब्रेकअप एंड सैडनेस इज़ अ वेरी यूनिवर्सल इमोशन और हमारे इंडिया में तो बहुत ही मतलब चलता है, लेकिन यू नो प्यार तो है ही, लेकिन प्यार में इट्स नॉट ऑलवेज हैप्पी डेज, देयर आर सैड डेज एज़ वेल, देयर आर हार्ड ब्रेक एज़ वेल, तो मैं वो पोर्ट्रे करना चाहता था एंड आई वांटेड टू मेक अ वेरी रिलेटेबल सॉन्ग इन वीडियो एंड मुझे लगता है कि वो जो एक व्हाट्सएप का जो एक एंगल है जो मैंने इंक्लूड किया है इस वीडियो में, दैट्स वेरी टुडे इन अ वेरी यंग जनरेशन, सो या आई फील लाइक इट्स अ वेरी कूल कॉन्सेप्ट एंड फैंस ने बहुत उसे यू नो appreciate किया and they have loved the song. I think गाना गाने में इतनी difficulty नहीं हुई इस time मुझे, I think portray करने में मुझे थोड़ी सी you know मैं nervous था shoot के पहले and जो director है director शादी, तो उन्होंने you know मुझे कहा कि don't worry, ज़्यादा nervous मत हो, गाने के जो lyrics है उसको zen में रखते हुए जो भी emotions है वो बयां कर दो naturally. So मैंने over the top कुछ ज़्यादा नहीं किया है, थोड़े थोड़े हैं सीक्वेंसेस जहाँ पे मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं एंड फॉलिंग ऑन द बेड एंड एक बस स्टॉप वाला जो एक बारिश में जो एक सीक्वेंस है वो भी है, सो ऑल दीज थिंग्स यू नो आई थिंक मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसे मैं पोर्ट्रे कर पाऊँगा, लेकिन बहुत अच्छे से आया है वो बाहर एंड फैंस आर लविंग इट, उठते जा रहे हैं आप एक्टिंग कर लो अभी, आई डोंट नो येट, मुझे कुछ नहीं पता मैं, लेकिन अगर ज़िंदगी उस राह पे लेके जाए तो आई काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैंने गाने गाए हैं और मतलब मेरे मेल पार्ट्स गाले और फीमेल पार्ट्स जब डब कर रहे थे तो उन्होंने अकेले कर लिए थे, तो एक साथ पहले क्या होता था मैं ओल्ड ज़माने में जब डुएट्स होते थे बोथ द फीमेल एंड मेल सिंगर्स सिंग द सॉन्ग टुगेदर, बट हमारे में अभी क्या है कि सबके डेट्स के हिसाब से यू हैव टू सी कि आज कौन अवेलेबल है, बट आई थिंक आई हैड अ लॉट ऑफ फन सिंगिंग विद नीति मोहन के साथ, मेरे काफ़ी डुएट्स हैं, सौ आसमान तुम्हें अपना बनाने का प्यार मांगा है, सो आई थिंक इट्स फन टू सिंग, इट वाज अमेजिंग, हमने आर्मेनिया में शूट किया है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, आप जो एक यू नो हाउस है एक लेक पे, एक्चुअली लोग सोच रहे वो एक ओशन और सी है, लेकिन एक्चुअली वो एक बड़ा सा लेक है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इतना ब्लू पानी मैंने लाइफ में नहीं देखा है, इट वॉज़ फन शूटिंग देयर, थोड़ी डिफ़िकल्टीज भी थे क्योंकि वहाँ पे खाना बहुत यू नो अजीब है, यू डोंट गेट द फूड दैट वी ईट, सो यू नो वी हैड टू स्टे हंग्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हाइल शूटिंग द वीडियो, 3 days का शूट था एंड आई हैड अमेजिंग टाइम, एक चीज़ मैंने जो की है वीडियो में मतलब जो बारिश में भीगा हूँ वो मैंने कभी लाइफ में नहीं किया, आई नेवर गॉट वेट इन दैट, सी हम लोग एक साथ कंपोज नहीं करते, अमल इज द कंपोजर एंड आई एम द सिंगर, हम लोग की कॉन्शियसली ये डिसीजन बचपन से ही रहे, डैड के डिसीजन रहे कि हम लोग दोनों यू नो अलग रहें, वी डोंट बिकम अ डुओ जैसे सलीम सुलेमान है या साजिद वाजिद है, क्योंकि डैड चाहते थे कि हम अपना खुद का भी कुछ करें, लाइक मैं सिंगिंग में और अमल म्यूजिक में, एंड आई थिंक दैट्स बीन अ बेनिफिशियल डिसीजन फॉर अस, लेकिन हम जब एक साथ आते हैं जब भी वो एक कंपोज करता है गाना और जब मैं गाता हूँ तो उस टाइम पे एक द सॉन्ग इज रियली मैजिकल एंड पीपल इमिडिएटली स्टार्ट लविंग द सॉन्ग, सो एक है हम दोनों का एक स्पेशल कोलैबोरेशन ऑलवेज होता है, व्हेनेवर वी डू अ सॉन्ग द सॉन्ग बिकम्स अ वेरी बिग, सबकी ज़िंदगी में थोड़े ख्वाब रहते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, जो टूट टूट जाते हैं, मतलब जिस तरीके से इस गाने में ब्रेकअप दिखाया हो वैसा ब्रेकअप नहीं हुआ है मेरा जो लोग सोचते हैं, लेकिन देर हैव बीन मेनी टाइम्स वेयर आई हैव बीन सैड एंड आई हैव बीन हार्ट ब्रोकन एंड जब आप एक ऐसा गाना करते हो तो व्हेन यू सिंगिंग द सॉन्ग और इवन पोर्ट्रेइंग द सॉन्ग, तब आई थिंक मैंने जो भी मेरे लाइफ में सैड मोमेंट्स रहे उसे याद करके वो गाना याद करके वो एक्टिंग करना वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फिर ही वो इमोशंस यू नो अच्छे से आ पाते हैं ऑन कैमरा, तो जब भी मुझे क्राइंग सीक्वेंस करना था तो डायरेक्टर बोलता था आपकी ज़िंदगी में सबसे सैडेस्ट चीज़ क्या हुई है उसे याद करके सीन करना, सो दीज आर द स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट